अरे सुनो, घर में और गिलास नहीं रह गई क्या? है तो, कल मेरा उपवास है और फिर। नहीं नहीं ठीक है सर, मैं पी तो रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है हरि। कहीं ऐसा तो नहीं है दलित है इसलिए इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही हो? मैं हर बात का जवाब देना उचित नहीं समझती। कल से नवरात आरंभ है और मैं जूठे बर्तन साफ नहीं कर सकती। बस मैं दुनिया को समझाने के लिए ये नाटक कर रहा हूँ कि भेदभाव देश को विनाश के रास्ते पर ले जाएगा, और तुम ये सब लेकर बैठी हुई हो। सर मुझे लगता है इसमें ज्यादा बात बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बापू ने अस्पष्टता निवारण संबंधी अपने विचारों को और अछूत लोगों को अपने आश्रम में भर्ती किया था और बा ने उसका शुरुआत में ही विरोध किया था। आप कहना क्या चाह रहे हैं? बा को लगा ये गलत है। उन्होंने परिस्थिति को समझा और उन्हें लगा उनसे बड़ी भूल हुई है। दूधा माई और दानी बहन ने उनकी उदासीनता व अन्य कुछ कारणों से आश्रम को छोड़ दिया था, लेकिन उनकी बेटी को अपने पास ही रख लिया था और बल्कि वहां आए तमाम दलितों को अपने आश्रम में बनी कोठरी में जगह दी और उनका पूरा ख्याल रखा। हरी, क्या तू अपनी माँ को क्षमा नहीं करेगा? अरे अमान, मैं कहाँ हूँ भाई? क्या हुआ? इसकी चोट कैसे लग गई? कुछ नहीं पत्रकार भैया, रिहर्सल कर रहा था भाई। लेकिन इसमें रोने की क्या बात है? माँ बेटे का मिलन उस घटना के मिलन और बिछड़ने का क्षण अद्भुत है। ऐसे में अपनी भावनाओं पर काबू कैसे पाया जा सकता? लेकिन क्या ये संभव है? एक इतने बड़े नाटक को तुम 7-8 कलाकारों के सहारे पूरी कहानी कह सकते हो? बिल्कुल कहा जा सकता। इसमें नाटक शास्त्र में बंदी से नहीं, सिर्फ विचारों को लोगों तक पहुंचाने की बात कही गई। यानी अनुभूत की अभिव्यक्ति को अभिनय कहा जाता है। आप दोनों फिर बहस करने लग गए। यानी तुम रुपए में बाकी फोटो छपवा कर ही मानोगे? ये लड़ाई मेरी नहीं है, हम सभी की। चलो छोड़ो, मैं उस मुद्दे पर ज्यादा बहस नहीं करना चाहता। ज्यादा शोर शराबा हुआ तो आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों का चुनावी मुद्दा होगा और नए नोट छपने तक तुम जेल में होगी। सर मुझे लग रहा है इस बहस को यही विराम लगाना चाहिए। अरे पहले मंचन तो होने दे, जेल की बात बाद में कर लेंगे। अब वक्त एक नए आंदोलन का हो गया। वो देखो, बा और बापू केन से आ रहे हैं। वो देखो, मेरे लिए कुछ नहीं लाया। नहीं, मैं तो अपनी बात से मिलने आया हूं आपसे। तो सिर्फ मैं कहना चाहता हूं कि आप इनके प्रताप से इतने बड़े महान बने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या तू अब हमारे साथ चलेगा? नहीं, मैं तो अपनी बात से मिलने आया हूं। ये मोजाम्बिक कहाँ से लाया है तू? कहीं से लाया हूँ, तुम्हारे लिए प्रेम पूर्वक लाया हूँ। ये मोजाम्बिक तुम्हें ही खानी है। तुमको ना खानी हो तो मुझे वापस दे दो बा। हरी, तुम अपना हाल देख बेटा, ये तो सोच तो किनका लड़का है, हमारे साथ क्यों ले जाता? हरी चल। इसकी तो बात ही ना करो बा, मैं भी हालत से ऊपर नहीं सकता बा।
कस्तूरबा की जय। माता 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 कस्तूरबा की जय। इतने सारे रुपए पैसे हम भारत ले जाकर क्या करेंगे? इनका इसने ही हमारे लिए बहुत है। उनका प्रेम ही हमारी संपत्ति है। बस उसी को रखकर बाकी सब लौटा देना चाहिए। आप ये क्या कह रहे हैं? यदि हमने इन्हें लौटा दिया तो क्या कोई इन्हें वापस लेना पसंद करेगा? क्या लोगों के मन में इससे कोई ठेस नहीं पहुंचेगी? मन दुखाए बिना काम कैसे करना? ये सारी बातें बनियों को सिखानी पड़ती हैं। मैं इन सब का एक ट्रस्ट बना देता हूँ। उस ट्रस्ट से लोकोपयोगी कार्य होंगे। मुझे ये पेटी चाहिए। ये क्या? मैं अपनी वस्तु ले रही हूँ। मुझे कोई ट्रस्ट नहीं बनाना। मेरी वस्तु? क्या मतलब? मेरी वस्तु यानी वो वस्तुएं जो लोगों ने मुझे भेंट की हैं। क्या बैरिस्टर लोग ही सारा कानून जानते हैं? मेरी वस्तु मुझे का क्या मतलब है? मेरी पत्नी को दी हुई वस्तुएं। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी ही सही, किंतु लोगों की सेवा की है। अगर तुम पूरे घर बार पर तुलसी पत्र रख दो तो वो तभी संभव होगा ना जब मैं भी उसे स्वीकार कर लूं। क्या मैंने लोगों के लिए कम कष्ट सहन किए हैं? सहे होंगे, लेकिन इन वस्तुओं पर न तो मेरा अधिकार है न तेरा। न हो मेरा अधिकार और अब तो इन्हें पहनने का मन भी नहीं है। लेकिन क्या तुमने कभी इनमें से एक भी मेरे लिए लाकर दिया? कल को बहुएं आएंगी, चार गहने उनके लिए रख लेती हूँ तो क्या बुराई है? तुम कौन सा उनके लिए अब गहने बनवाओगे? मेरे और तुम्हारे पिताजी ने जो गहने दिए वो तो तुमने रहने दिए। यदि बहुए मांगेंगी तो मैं उन्हें गहने बनवा दूंगा। तुझे भी चाहिए गहने तो खरीद लाऊंगा। लेकिन ये तो दूसरों की संपत्ति है, इसका वो अच्छा नहीं। ये तो शिव निर्मित है, ये हमारे काम नहीं आ सकते। मुझे गहनों की क्या आवश्यकता? हाथों में चूड़ियां हैं, यही भगवान की असीम दया है। बस इस बूढ़ी का चूड़ियों में कितना मन है। बाहर ही रहकर नेतृत्व कर।
आज संध्या एक आम सभा है, तू मेरी ओर से उसमें शामिल होना। फिर होना क्या था, अंग्रेजों को उनकी ताकत का अंदाजा था। अंग्रेजों ने बाप को बापू के पास आगा खा महल पहुंचा दिया। नजरबंदी का कोई असर समाप्त होते दिखाई दे ही नहीं रहा था। बाप बापू के सानिध्य में अंग्रेजी सीखती रही। रिहर्सल पर कोई नहीं आया? आ रहे होंगे। आपका परिचय? सर ये गांधीवादी विचारधारा के हैं और हमारी कुछ मदद भी करना चाहते हैं। आप और बापू अंदर जाकर संवाद दोहराइए।
किस तरह की मदद? भाई मैंने सुना है कि मैं चाहता हूँ कि गांधी के बारे में आजकल हर जगह निंदा हो रही है, आप बाकी मदर इंडिया बाकी विषय में कोई नाटक बना रहे हैं? नाटक तो बना रहे हैं, माँ को दर्जा के देने के लिए नाटक बनाया जा रहा, लेकिन माँ को दर्जा देने की आवश्यकता नहीं। आज पूरा देश नारी उत्थान की बात करता है, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ता है। मैं चाहता हूं आप हमारी संस्था से नाटक करें, अच्छे से अच्छे प्रायोजकों का बंदोबस्त कर सकता हूं। यानी बापू के साथ बापू बेचने की तैयारी? क्या निराधार बकवास कर रहे हैं? अपने गुस्से को शांत रखने का प्रयास कर रहा हूं, और आप हरी इनसे कह दो यहां से चले जाएं। मैं तो नाटक की मार्केटिंग करना चाहता हूं, लेकिन आप लोग जाएं यहां से। जाइए, हो चुका नाटक आप लोगों का, अगर बीच में ही ना बंद करवा दिया तो कहना सारी गांधी दीदी निकल जाएगी, मदर इंडिया कस्तूरबा। मोहन जी आप चले जाइए यहां से, वरना कुछ हादसा हो जाएगा।
गीता पाठ और इधर मेरा भाई ने ऊपर और पैरों के पास सुंदर स्वास्तिक बनाया और तभी शांति कुमार ने चंदन की लकड़ी लाने का प्रस्ताव रखा लेकिन बाबू ने उसे लेने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने बाघ के दाह संस्कार के लिए चंदन की लकड़ियों की व्यवस्था कर दी। आपका धन्यवाद। उस बाघ के लिए हमारे सहयोगियों ने जो तिनके जुटाए हैं वो ही काफी हैं। I have one request for you. क्या? You cannot perform Kasturba's last rites here. The government doesn't allow you. Waja. We expect lot of chaos. We don't want to risk the peace of this place. बापू शांत हो गए लेकिन उनकी शांति भारत की उस आजादी की तरफ इशारा कर रही थी कि बाघ का यह बलिदान खाली नहीं जाएगा और वो वक्त भी आया जब हमारा मुल्क आजाद हुआ और बाघ के उस बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, भुलाया नहीं जा सकता। तो बातें और हैं बाप के बारे में और बताना इसलिए जरूरी है कि ये जो बक्सा था जिसको दिखाया था इस बक्से में आखिरी में एक धीरू भाई करके बहुत बड़े सुनार हुआ करते थे। वो धीरू भाई नहीं, उस खानदान वाले नहीं, दूसरे थे।